हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नो राहुल। आज मैं स्कूटी का एयर फिल्टर क्लीन करूंगा। तो एयर फिल्टर क्लीन करना ज़रूरी क्यों है, किस लिए है, तो इसी वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा कि किस लिए हम एयर फिल्टर को क्लीन करते हैं, उसमें किस कारण से वो ज़रूरी है कि क्लीन करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि एयर फिल्टर का काम क्या है। एयर फिल्टर जो हवा है सराउंडिंग का, उसको प्योरीफाई करके कार्बोरेटर को देता है। तो जो एयर फिल्टर है वो पूरी तरह कार्बोरेटर से कनेक्टेड है, मतलब डायरेक्ट कार्बोरेटर से कनेक्टेड है। कार्बोरेटर क्या करता है, कार्बोरेटर जो एयर फिल्टर से जो हवा आता है उसको ऑयल के, मतलब पेट्रोल के साथ मिक्स करके इंजन को देता है। तो इंजन में कन्वर्शन होता है, मतलब आग जलता है, स्पार्क करता है। उसके बाद वो पेट्रोल और एयर का मिक्सर वहाँ पे आग लग जाता है, उसके कारण वहाँ पे ब्लास्ट होता है। उसके बाद जो पिस्टन है वो नीचे जाता है, उसके बाद फिर ऊपर आता है। तो इसी तरह एयर फिल्टर का बहुत बड़ा मायने रखता है गाड़ी में। तो अगर आप कोई भी गाड़ी ले लीजिए, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, सब में एयर फिल्टर रहेगा ही रहेगा। अब बात करते हैं कि अगर आपने एयर फिल्टर क्लीन नहीं किया और उसको रिप्लेस नहीं किया तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि आपका माइलेज बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप एयर फिल्टर को क्लीन नहीं करते तो उसमें से हवा, मतलब जो जितना अमाउंट पास होना चाहिए था उतना अमाउंट पास नहीं होगा, मतलब हवा कम जाएगा और पेट्रोल ज़्यादा जाएगा। तो उसके कारण जो एयर और ऑयल का मिक्सर है उसमें या ऑयल का पोर्शन, मतलब पेट्रोल का पोर्शन ज़्यादा रहेगा, उसके कारण आपका पेट्रोल बहुत ज़्यादा कंबर्शन होगा। तो उसके कारण आपका माइलेज में बहुत ज़्यादा डिक्रीज दिखाई देगा। और दूसरा है आपका पिकअप प्रॉब्लम। आप जब भी एक्सेलेटर या रेस देते हैं, एक्सेलेटर को थोड़ा ज़्यादा देते हैं, उस टाइम आप देखते होंगे कि जो साइलेंसर है उससे ज़्यादा हवा निकल रहा है। तो उस टाइम में जो हवा साइलेंसर से निकल रहा है वो हवा एयर फिल्टर से अंदर जा रहा है, मतलब इंजन के अंदर जा रहा है। तो अगर आपका एयर फिल्टर पुराना रहेगा और उसमें कचरा उचरा जमा रहेगा तो हवा ज़्यादा वो खींच नहीं पाएगा, उसके कारण आपका जो इंस्टेंट पिकअप बोलते हैं, मतलब आपने एक्सेलेटर दिया उसके बाद जो पिकअप आपको मिलना चाहिए था उसको थोड़ी देर बाद मिलेगा, मतलब आपको पिकअप में बहुत ज़्यादा डिक्रीज होने वाला है। तो ये था दो डिमेरिट्स। और उसके बाद आपका तो और भी बहुत सारा डिमेरिट्स है, तो वो उतना मेजर इशू नहीं है। हम लोग सुबह सुबह जब स्कूटी स्टार्ट नहीं होता तो हम उसको चोक करते हैं, मतलब चोक का जो केबल है उसको खींचते हैं, जो आप यह शायद देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है। तो वो क्या होता है, उसमें होता है कि वो चोक केबल आप जब भी खींचते हैं तो उसमें जो इंजन में जो चोक केबल कार्बोरेटर से लगा हुआ रहता है, तो आप जब भी चौक खींचते तब आपका जो कार्बोरेटर में सिर्फ पेट्रोल जाएगा, मतलब उस टाइम स्टार्ट जब स्टार्ट लेंगे आप वो सिर्फ पेट्रोल से स्टार्ट होगा। उसके बाद आप चौक जब बंद कर देंगे उसके बाद आप पेट्रोल और हवा का मिक्सर का इस्तेमाल होगा। जब भी आप चौक करेंगे तो चौक हवा का हवा, मतलब जो इंजन में जा रहा है वो रोक देगा। तो उसके कारण सिर्फ पेट्रोल इंजन में जाएगा और कंबर्शन ज़्यादा होगा और स्टार्ट ले लेगा जल्दी जल्दी। तो यही है यूज़ चौक का। तो अभी बात करते हैं कि एयर फिल्टर खोलने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। सभी स्कूटी में एक ही जगह प्लेस किया हुआ है एयर फिल्टर, पर सभी स्कूटी में डिफरेंट डिफरेंट साइज़ का एयर फिल्टर आता है, शेप थोड़ा चेंजेस रहता है। तो दूसरे स्कूटी में आपको एयर फिल्टर खोलने के लिए पूरा इसका जो फ्रेम है यह देखे इसको पूरी तरह खोलना पड़ेगा, पर एविएटर में ऐसा नहीं है। एविएटर में एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, नीचे आपको दिखाऊंगा, वो आप खोलने से वहाँ पे आपको स्क्रू डायरेक्ट खोलने का ऑप्शन मिल जाता है। देख सकते हैं मेरा एविएटर जो यहाँ पे दिया हुआ है एयर फिल्टर का बॉक्स, तो मुझे सिर्फ ये जो एक आप पार्ट दिख रहे हैं ना ये अलग हो जाएगा, अलग पार्ट दिया हुआ है। तो यहाँ से स्क्रू खोलने से इसका पूरा, मतलब जो एयर फिल्टर का बॉक्स है वो आप पूरी तरह खोल सकते हैं। तो दूसरे स्कूटी में ये अलग पार्ट नहीं दिया हुआ है, तो आपको पूरा खोलना पड़ता है एयर फिल्टर खोलने के लिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एयर फिल्टर से एक पाइप अंदर की तरफ जा रहा है। एयर फिल्टर खोलने के लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ ये स्क्रू ड्राइवर चाहिए और उसको साफ़ करने के लिए कपड़ा चाहिए। अगर एयर फिल्टर ज़्यादा गंदा है तो उसको साफ़ मत कीजिए, उसको रिप्लेस ही कर दीजिए। तो मैंने तो एक हफ्ते पहले सर्विसिंग कराई। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways.
जितना तक हो सके मैंने उसको साफ़ कर दिया है। तो आपको एक चीज़ बोल दूँ कि एयर फिल्टर को आप पानी से मत धोइए, इसमें इसमें आपको थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा हुआ मिलेगा। तो ऑयल इसलिए है कि जो डस्ट पार्टिकल है उसको रोक के रखने के लिए या एयर फिल्टर में ऑयल दिया हुआ रहता है। तो आप जब भी पानी से करते हैं तो ये एयर फिल्टर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसमें से इसका जो छोटा छोटा गैप है वो पानी की वजह से वो छोटा छोटा गैप उभर जाएगा, तो आपका एयर ज़्यादा पास नहीं होगा इसके थ्रू से। तो ये देखिए पीछे से इसका नेट लगा हुआ है, तो नेट इसलिए है क्योंकि इसमें से जो एयर फिल्टर है वो पीछे की तरफ ना जाए, इसलिए यहाँ पे एयर फिल्टर का नेट लगा हुआ है। तो ये है एविएटर का है। तो आप देख सकते हैं इसका जो शेप है वो किसी और में नहीं बिठेगा, सब में अलग अलग एयर फिल्टर का शेप रहता है। तो एविएटर का जो शेप है वो सभी एविएटर का डिक्स वेरियंट और नॉन डिक्स दोनों में सेम ही रहता है। तो आपको सिर्फ इसको साफ़ करना है और उसके जगह पे जो वो जगह है वो जगह थोड़ा कपड़ा से साफ़ कर देना है, फिर इसको लगा देना। अगर ये ज़्यादा काला या डस्ट पार्टिकल रहता है तो इसको आप पूरा चेंज कर दीजिए, क्योंकि इसका प्राइस इतना ज़्यादा नहीं, 200-250 होगा। तो चेंज करने से आपको माइलेज में थोड़ा इंक्रीमेंट मिलेगा। तो आप इसको जहाँ था वहाँ लगा के आपको दिखाते हैं। तो इसी तरह आप भी अपना एयर फिल्टर क्लीन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो देखते हैं उसके बाद उसको लाइक नहीं करते, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।